जय श्री कृष्णा। आज हम आलू की टिक्की बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आलू पहले बॉईल करके फ्रिज में रख दिए थे। अब इसको छीलने जा रहे हैं। छील के फिर इसको ग्रेट करेंगे। अब हम आलू ग्रेट करने जा रहे हैं। अब ये आलू हमारा ग्रेट हो गया है। इसमें अब सेंधा नमक मिलाएंगे। और आधा चम्मच काला नमक है, ये काला नमक मिलाएंगे। और आधी चम्मच लाल मिर्ची मिलाएंगे। और आधा ही चम्मच भुना पिसा जीरा डालेंगे। और ये चावल का आटा है, राइस फ्लोर है, इसको डालेंगे। राइस फ्लोर से थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। और थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक डालेंगे। अब ये चूरा है पोहा, इसको हम थोड़ा सा मिक्सी में पीस लेंगे। अब ये चूरा हमने पीस लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। आलू में चूरे से बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। इसके अंदर हरी मटर भर देंगे। हरी मटर हमने बॉयल नहीं करी है, इसमें वैसे भी पक जाएगी तलते समय। अब ये टिक्की हमने बना ली है, इसमें मटर भी भर दी है। अब इसको फ्राई करने जा रहे हैं। गैस हमने ऑन करके पैन चढ़ा दिया था, ऑयल हो गया है। अब इसमें हम टिक्की डालेंगे। अब इसको पलट कर देखते हैं, अभी अच्छे से नहीं हुआ है। अब ये टिक्की हमारी हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये दही है, इसमें हमने चीनी डाल दी है और थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब ये टिक्की हमारी बहुत क्रिस्पी हो गई है।
इसमें हम दही डालेंगे। ये अमिया पुदीना की चटनी है, इसको भी डाल रहे हैं। और ये इमली की चटनी है। अब इसमें ऊपर से काला नमक डालेंगे। ये भुना पिसा जीरा है। ये रेड चिल्ली पाउडर है। और ये हरी धनिया है। ये टिक्की हमारी हो गई है। अब इसको हम आपको काट के दिखाते हैं। ये मटर आ गई। अब ऐसा आप भी बनाइए, खाइए, फिर हमें बताइए कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।